नमस्कार दोस्तों, सीएचओ यूपी यूपीएनएचएम द्वारा एक जानकारी हासिल हुई है जो कि पर्टिकुलर इंटरनल जानकारी है। इसमें कितने पद आएंगे? टोटल 1800 पद आएंगे, जिसकी सैलरी आपकी 35,500 होगी। प्लस इसमें कौन फॉर्म फिल कर पाएगा? इसमें सीसीएचएन कोर्स, जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है, 17 मार्च 2021 रखी गई है, और इसका स्टार्टिंग डेट भी है। इसमें बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये पर्टिकुलर मिशन निदेशक द्वारा द्वारा एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें आपका आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में समस्त जिलाधिकारी और जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संयोजक जिला स्वास्थ्य समिति को ये लेटर भेजा गया है। इसमें विषय जो है, विषय दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा अमेरिकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के विषय में। जैसे जैसे आप जानते हैं, आप अवगत है, इसमें पर्टिकुलर इनको सबको जानकारी दी है। जहाँ पर भी सीएचओ की पोस्ट खाली है, वहाँ पर आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है। वहाँ पर उन रिक्तियाँ फिल कराई जानी है, जो कि टोटल 1800 रिक्तियाँ हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कराने हैं, पोस्ट कराने हैं। आगे देखते हैं, इसमें पर्टिकुलर जो इसमें रिक्तियाँ जो हैं, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक कोर्स इन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नर्सेस। आपका जो पर्टिकुलर सेशन जो दिया हुआ है, 19 से 20 एकेडमिक दिया हुआ है। एकेडमिक सेशन आपका 16 से 17 ऑनवर्ड का होना चाहिए, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग है। इसमें ये भी दिया गया है कि रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, आपका यूपी का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसमें जो आयु सीमा दी हुई है, आयु सीमा आपकी आपकी 1 जनवरी 2021 से केवल उत्तर प्रदेश राज्य स्थायी निवासी इसको फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष तक मान्य है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण संबंधी नियम के अनुसार सारी चीज़ें चलाई जाएंगी। स्वीकृति आपका मानदेय जो दी गई है 20,500 दी गई है, 15,000 इंसेंटिव दिया गया है जो आपकी पेबल है। साथ ही इसमें जो पर्टिकुलर दिया हुआ है, आपके चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ के पद पर 3 साल तक कार्यरत रहना अनिवार्य है, जो कि 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें ये पूरा पूरा 2,50,000 का बॉन्ड रखा जाएगा। आपका चयन चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो रखी गई है, इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। थ्योरी और इसमें फाइनल थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट मेरिट बनाएगी। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। प्रतीक्षा सूची भी जारी करी जाएगी। इसमें जनपदों पर सीएचओ के रिक्त पदों के अपेक्ष मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसमें एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी लिए जाएंगे, बचे हुए अभ्यर्थियों की सूची आपका मेरिट आपका वेटिंग लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। साथ ही इसमें जैसे दिया हुआ है, जनपद जनपद स्तर स्तर पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करी जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी का सूची बनाना और सबको चयन करने के लिए पर्टिकुलर ये आपकी टीम गठित करी गई है। इससे कोई हमारा मतलब है नहीं। अभिलेख सत्यापन आपका पर्टिकुलर जितने भी आपके प्रमाण पत्र और सारी चीज़ें होंगी, उनको 3 सदस्यों द्वारा ही उसको ये सब
उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक टीम बनाई गई है और इसमें जो पर्टिकुलर डिटेल्स दी हुई हैं इसमें पहला जो दिया हुआ है अभ्यर्थियों से जनपदों पर आवेदन स्वीकार करना एवं सब पूरी डिटेल दी हुई है। 11/3 से 17/3 तक आपका दिया हुआ है लास्ट डेट। 11/3 से फॉर्म फिल किया जाएगा और 10 बजे से और 17/3 2021 पर ख़त्म हो जाएगा 5 बजे। और आपके 18 तारीख को कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उपरोक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एक पर्टिकुलर आधार पर एक पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आपकी 19 तारीख को निकाल दी जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी और अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से चयनित सूची जो आएगी वो आपकी 20 तारीख को आ जाएगी। 20 से 22 तारीख तक तो वो सूची आएगी। इसी प्रकार आपका जो पर्टिकुलर प्रमाण पत्र जो प्राप्त होगा अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस और सारी चीज़ें वो 23 तारीख तक 23 से 31 तक आपको टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका जो पर्टिकुलर ये पूरा पूरा एक डिटेल आई है इसमें आवेदन पत्र प्राप्ति की बावली जो पर्टिकुलर दिया हुआ है ये दिया हुआ है। इसमें एक चेकलिस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है, इसमें चेकलिस्ट है। साथ ही इसमें जो एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर की डिटेल दी हुई है वो पूरा दिया हुआ है। ये सब CMO लेवल और DPM लेवल के लिए जो पर्टिकुलर ये दी गई थी उनका है। इसमें 20,000 रुपये सैलरी है, 15,000 आपका इंसेंटिव है। इसी तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें पर्टिकुलर जो 1,800 वैकेंसी हैं, 1,800 वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ रहे हैं। जैसे आगरा में आपकी 42 वैकेंसी हैं जिसमें से 21 अनरिजर्व, 12 OBC, आपका 9 SC का और ST का एक भी नहीं है। इसी अलीगढ़ का 28 है, प्रयागराज का 52 है, अंबेडकर नगर की 24 है। ऐसे करके सारी वैकेंसीज हैं। इसी तरह बलरामपुर का है, बिजनौर का 32 है, बदायूं की 17 है, बुलंदशहर की आपकी 23 है, गोरखपुर की आपकी 66 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इसी में है। साथ ही इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें आपकी लखनऊ की 34 वैकेंसी है। इसी तरीके से महाराजगंज की 23 हैं, मैनपुरी की आपकी 10 हैं। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो अलग अलग दी हुई हैं। टोटल टोटल यहाँ पर 88 का डिटेल दिया हुआ है जिसमें से आपका आपका जनरल की आपकी 886 वैकेंसी है, OBC की 511 है और SC की 399 है और 4 ST की वैकेंसी हैं। टोटल मिला के ये 1,800 वैकेंसी निकाली गई हैं। 1,800 वैकेंसी हैं। प्लीज़ जल्दी अपना फॉर्म जैसे ही निकले तो इसे फिल करें और जो जो सेलेक्ट हो जाए उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर्म जल्दी ही निकलेगा आपका। 11 तारीख से आपका फॉर्म फिल करना घोषित कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर CMO और सबको जानकारी दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।